हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो कस्टम ड्यूटी में वैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, याद होगा आपको, और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। आज हम लोग उसके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जो बचे हुए 4 से 5 क्वेश्चंस हैं, विल ट्राई टू फिनिश ऑल ऑफ देम, क्लियर? तो आज आपका कस्टम वैल्यूएशन सारा का सारा कंप्लीट हो जाए। लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे, दैट वॉज 1, 2, 3, 4 एंड 5। टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 6। जरा देखिए, ये सारी चीजें हो चुकी थी हमारी। दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है ये क्वेश्चन? होप सो, मैं फिर बोलता हूं कि मैं उम्मीद कर सकता हूं कि जितना भी आज तक आपको बताया गया है, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। और आगे बढ़ते हैं, और बहुत आसान क्वेश्चन है। नथिंग इज मीन्स कुछ भी ऐसा नहीं है इस पर्टिकुलर चैप्टर में जिसको ज्यादा टेंशन से लिया जाए, क्लियर? अभी तो वो भी समझ में आएगा, सिंपल है। एक क्वेश्चन अभी आएगा जिसमें आपको थोड़ा सा हो सकता है डाइवर्जन महसूस हो, लेकिन फिलहाल कंप्यूट द टोटल ड्यूटी। टोटल ड्यूटी हमको बता कर रहे हैं कि टोटल कितनी ड्यूटी गई, एंड इंटीग्रेटेड टैक्स पेबल अंडर द कस्टम लॉ एज ऑन इम्पोर्टेड इक्विपमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, टोटल ड्यूटी पता करनी है कस्टम लॉ के हिसाब से। एसेसिबल वैल्यू इज गिवन 10,100। हमको तो एसेसिबल वैल्यू निकालनी ही नहीं है, हमको तो क्वेश्चन नंबर 6 में कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल ड्यूटी यही पूछा ही है। बोलो तो सर, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल ड्यूटी में क्या क्या दिया हुआ है? कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल ड्यूटी में है एसेसिबल वैल्यू 10,100। एसेसिबल वैल्यू, अच्छा सर, ये जो 10,100 दिया हुआ है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ डॉलर? यस, दिस इज इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर 10,100। ओके, डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री। अच्छा, हमको ये मालूम है कि बिल ऑफ एंट्री की डेट पर हम जो रेट दिया होता है सीबीआईसी का कन्वर्जन करने के लिए, दैट शैल बी कंसीडर्ड। तो हमारे पास इस डेट में डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री का यूज हम लोग करते हैं, सबसे पहले कन्वर्जन रेट के लिए, फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज गिवन टू अस $1 इज इक्वल टू 65 रुपीस। ओके, लेकिन इस दिन जो ड्यूटी थी, दैट वाज बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% थी। और हम लोग ड्यूटी के लिए कौन सा रेट लेते हैं सर? ड्यूटी के लिए बिल ऑफ एंट्री ग्रांटेड और आपका एंट्री इनवर्ड, विच एवर इज लेटर ऑन। इन दोनों डेट में जो लास्ट पे होता है, उसी को हम लोग ड्यूटी कैलकुलेशन में यूज करते हैं। तो आपका 25th अप्रैल को बिल ऑफ एंट्री है, जबकि 21st अप्रैल को आपका बिल ऑफ एंट्री एनवर्ड है। दोनों में जो लेट हो, सर ऊपर वाला ही लेट है, ऊपर वाला नहीं, ये ऊपर वाला लेट है। डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री एनवर्ड, बिल ऑफ एंट्री, इसके लिए रेट दिया हुआ है 10%। तो हमें उस समय कन्वर्जन रेट भी उसी तारीख का लेना है 65, कोइंसिडेंस है, और उसी डेट का हमको रेट ऑफ टैक्स लेना है 10%। चले, तो हमारे लिए ये किसी काम का नहीं है बाद वाली डेट, ये हमारे किसी काम की नहीं है। इंटीग्रेटेड टैक्स और सोशल वेलफेयर दिया हुआ है 10%। मेक सुटेबल एजम्पशंस वेयर रिक्वायर्ड एंड शो द रेलेवेंट वर्किंग एंड फलाना एंड डिमाका जीएसटी कंपनसेशन सेस को इग्नोर करना है, जबकि इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन, जब कॉम्पिटिशन ऑफ ड्यूटी, टाइप ऑफ ड्यूटी हम लोग कर रहे थे, टाइप ऑफ ड्यूटी, तो उस समय हमने जीएसटी कंपनसेशन सेस पर भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। यस सर, तो आते हैं, आपका रेट है आपका यहां पर 65 एंड 10%। तो कन्वर्जन रेट दिया है $1 इज इक्वल टू 65 रुपीस। बोलो ना, तो हमें पता चल जाएगा एक्सेसिबल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीस, यू कैन से मल्टीप्लाई कर ली 10,100 इंटू 65, 656,500, 656,500। नाउ दिस इज इन टर्म्स ऑफ रुपीज नाउ, और हमें बेसिक कस्टम ड्यूटी दिया हुआ है, दैट इज 10%। तो 10% हो जाएगा 65,650। यस और नो? यस सर। अच्छा, इस पर हमारा हमेशा सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऐड होता है। सर, इसमें सोचना ही नहीं है, जितना भी हमारा बेसिक कस्टम ड्यूटी होगा उसका 10%, तो 6565।
ये आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गया। ये जो टोटल वैल्यू मिलती है, वैल्यू फॉर इंटीग्रेटेड टैक्स, हाँ या ना, इंटीग्रेटेड टैक्स इस वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है। मैंने कहा वंस योर गुड्स बिकम लैंडमास ऑफ द इंडिया, पार्ट ऑफ लैंडमास ऑफ इंडिया, नाउ वी आर नीडेड टू कॉम्प्यूट आईजीएसटी ओवर देयर। तो अब हमारा ये इंडिया का पार्ट बन चुका है आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ योर बेसिक कस्टम ड्यूटी एज वेल एज अ सोशल वेलफेयर सरचार्ज। तो 7, 7, 28, 715 यू कैन से ये हमारा आ गया। अब बताओ बेसिक कस्टम ड्यूटी तो हो गया, इंटीग्रेटेड टैक्स कितना दिया है, दैट इज गिवन 12%, तो प्लस हो जाएगा आईजीएसटी 12% के हिसाब से, ये आ गया आपका 87,446, 45 कर लेते हैं, 445। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स, कितना हो गया, अच्छा टोटल कस्टम ड्यूटी, टोटल कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना निकाला था आपने, 65,650 प्लस 6,565 प्लस 87,445, बोलो भाई। ये आ गया 159,660। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। जल्दी से नोट करें तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। सॉल्यूशन 7 देखा जाए, क्या है क्वेश्चन 7, एसेसिबल वैल्यू ऑफ एन इंपोर्टेड आइटम, इंपोर्टेड आइटम 1 लाख रुपए की एसेसिबल वैल्यू दी हुई है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में फिर से एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इन टर्म्स ऑफ रूपी इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस, इन टर्म्स ऑफ रूपीज, इसका मतलब हमें कन्वर्जन रेट भी नहीं चाहिए। ओके तो इसमें है क्या फिर, कहता है बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, ओके इंटीग्रेटेड टैक्स 12% एंड सोशल वेलफेयर, अरे भाई क्या मतलब है इस तरह के क्वेश्चन देने का, इग्नोर जीएसटी कंपनसेशन, भाई क्या मतलब है, कैलकुलेट कर लेते हैं सर तुरंत हो जाएगा, प्लस कर लेंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये हो जाएगा 10,000 प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% ऑफ 10,000, अगेन इट कम्स आउट टू रुपीज 1,000, टोटल हमारा वैल्यू हो जाएगा 1,11,000 वैल्यू फॉर आईजीएसटी, प्लस कर लेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स, और इंटीग्रेटेड टैक्स का रेट दे रखा है 12%, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स या गुड्स 124,320, टोटल ड्यूटी अमाउंट दैट इज 10,000 प्लस 1,000 जो ऊपर कैलकुलेट किया है प्लस 13,320, दिस इज योर आंसर। अरे भाई क्या था इसमें सर, कुछ नहीं था। जल्दी से नोट करें तो हम लोग सॉल्यूशन नंबर 8 देखेंगे। हाँ अब क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बनेगा आपका, अभी तक तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, 6 एंड 7 बहुत इजी क्वेश्चन था,
इसके पहले भी हम लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो बहुत इजी लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 15,000 यूनिट्स ऑफ एन आइटम वेर इंपोर्टेड फॉर चैरिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया बाय एक्स वाई चैरिटेबल ट्रस्ट। लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने एक इसी तरह का क्वेश्चन देखा था। द ट्रस्ट डिड नॉट पे ईदर फॉर द कॉस्ट ऑफ गुड्स और फॉर द डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस। ट्रस्ट ने कोई पेमेंट नहीं किया इवन डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस का भी। विच वॉज बॉर्न बाय द सप्लायर गुड। कस्टम ऑफिसर कंप्यूटेड इट्स एफओबी वैल्यू ऑफ $20,000 जिसमें डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस ऑलरेडी शामिल है। एक तरफ तो आप कहते हो कि डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस आर टू बी पेड बाय द सप्लायर बिकॉज दे आर जस्ट गोइंग टू सप्लाई टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट। अब हमने जब लास्ट सेशन में भी क्वेश्चन करवाया था तो मैंने कहा भले फ्री में आ रहा है बट फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी वी आर नीडेड टू हैव अ फेयर वैल्यू। हमें उसकी वैल्यू तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी जी, कस्टम कैलकुलेट करना है। तो कहता है वैल्यू जो कैलकुलेट की गई है एफओबी वैल्यू इज 20,000। एफओबी वैल्यू एज गिवन $20,000। यस और नो? ये दिया हुआ है। हाँ सर, आगे बढ़िए। कहता है Including design, which are accepted by the trust and the other details. Freight paid, air, ठीक है, freight paid, air का हम लोग 20% से maximum रखते नहीं है, देखेंगे। Design and development charges, nothing to do with this one amount, because it is already included in our FOB value and question clearly given it to us. Commission payable to an agent in India, 12,500. तो भैया अब हमें actual FOB value पर पहुंचना है, तो हमें बाइंग कमीशन को तो ऐड करना पड़ेगा। बाइंग कमीशन हम कभी ऐड नहीं करते, हाँ या ना? तो ये भी इन टर्म्स ऑफ रुपीस दिया हुआ है, देखो ना, 12,500 इन टर्म्स ऑफ रुपीस, इन रुपीस। ओके, एक्सचेंज रेट, अच्छा, जब बिल ऑफ एंट्री की डेट होती है उस दिन का हम लोग कन्वर्जन रेट ले लेते हैं, तो 70 रुपीज को कंसिडर करेंगे कन्वर्जन के लिए। और रेट ऑफ टैक्स जो डेट बाद में होती है ना 30 सितंबर, तो उस डेट की हम बेसिक कस्टम ड्यूटी को कंसिडर करेंगे। अब क्लियर हुआ? जो दोनों में से बाद की डेट होगी 8th of September एंड 30th September, जो बाद की डेट होगी उसके लिए हम रेट ऑफ ड्यूटी, तो रेट ऑफ ड्यूटी दिया है 10% उस डेट में जो लेटर डेट है, जबकि हम लोग कन्वर्जन रेट उस दिन का लेते हैं जो बिल ऑफ एंट्री की डेट होती है, वो भी सीबीआईसी का अमाउंट। तो ये भी हमारे क्लियर हो गया। इंटर बैंक रेट से हमको कोई लेना देना नहीं, 73 रुपीज। इंटीग्रेटेड टैक्स 12% है, सोशल वेलफेयर चार्जेस निकाल लेंगे, कुछ भी नहीं कहा है, इग्नोर जीएसटी कंपनसेशन। अरे दे देते, जिस वैल्यू पर हम आईजीएसटी निकालते हैं उसी वैल्यू पर जीएसटी कंपनसेशन सेस भी निकाल लेते, क्या दिक्कत आती? तो चलो भाई इसको भी छोड़ दो, जब कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में तो छोड़ देते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी बात है अब इसमें कि सबसे पहले इसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया जाए ताकि हम ये 12,500 जो कमीशन है वो एफओबी कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सके। और जो कन्वर्जन रेट है दैट इज 70, हाँ या ना? $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। तो एफओबी वैल्यू given in terms of rupees 14 lakh। ओके, प्लस कर देंगे इसमें कमीशन। अगर डॉलर में होता तो पहले हम ऐड करते फिर कन्वर्ट करते, कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अब 12,500 हम इसमें ऐड कर, बिना इसको ऐड किए हुए आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। मींस हमें तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 12 एफओबी वैल्यू करेक्ट फिगर निकालने के लिए हमको 12,500 तो ऐड करना पड़ेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एफओबी वैल्यू कैलकुलेटेड 14,12,500 और क्लियर लिख दूं। ओके, इसमें प्लस कर देंगे इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो सबसे पहले फ्रेट आप ऐड कर ले, मैक्सिमम 14,12,500 का 20%, तो गिवन कितना दिया हुआ है
$4,500 into 70 और 20%, ये आ गई दोनों वैल्यू 282,500। ऊपर वाला कितना है? 315,000। सर किसको वैल्यू लेंगे? जो दोनों में से कम हो, इससे ज्यादा ले नहीं सकते, तो 282,500 भी क्लियर हो गया। प्लस कर देंगे हम लोग इंश्योरेंस। अगर इंश्योरेंस ना मालूम हो तो 12,500 का 1.125% कई क्वेश्चन हो गए, अब इसको बारे में आप पूछेंगे नहीं हमसे क्या होता है, दैट इज 15,890। ये आ गया आपकी CIF। नहीं समझ में आई बात? बिल्कुल आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अब रेट ऑफ ड्यूटी देखनी है, 10% दिया हुआ है ना, प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, अगेन दिस इज 10% ऑफ 171। बोलो ना, ये आ जाएगा वैल्यू फॉर IGST लैंडमार्क ऑफ द इंडिया, ये पार्ट बन गया। That is your 1899,088 प्लस कर देंगे IGST, उसके लिए कितना दिया हुआ है रेट, दैट इज गिवन 12%, तो 12% ऑफ 1,89,088। वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एड कर लें, ₹21,26,978। दिस इज योर आंसर। नहीं, क्या दिक्कत आई अभी तक इसमें? सर कोई दिक्कत नहीं आई, ये आपके आपका सॉल्यूशन नंबर 8। जल्दी से कर लें तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है मिस्टर बैकपैक इंपोर्टेड सेकेंड हैंड गुड्स फ्रॉम यूके सप्लायर बाय एयर, ठीक है, एयर दिया हुआ है, विच वॉज कॉन्ट्रैक्टेड ऑन CIF बेसिस, ठीक है। हाउ आर देयर चेंजेस इन द प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट बिटवीन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्चुअल इंपोर्टेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल नेगोशिएशंस द पार्टीज एग्रीड फॉर अ नेगोशिएटेड प्राइस पेबल एज फॉलोस। मार्केट वैल्यू चेंज हो गया और उसके बाद नेगोशिएशन हुआ। हमने कहा था हम CIF 5,000 देने को तैयार हैं ओरिजिनली, लेकिन मार्केट वैल्यू बढ़ करके हो गई 5,800। अब दोनों लोग बैठे, भैया उसने कहा 5,800, तो मैंने कहा कि भाई जब तुमसे बात हो चुकी है 5,000 की, तो भाई शुड आई पे रुपीज 5,800 या 5,800 कौन? अल्टीमेटली वी वेयर एग्रीड टू
मेक द पेमेंट और रिसीव द पेमेंट एट रुपीज 5000 एट यू एट द पाउंड ऑफ 5500। तो 5500 पाउंड अल्टीमेटली निगोशिएटेड प्राइस फाइनल हो गई, जिसमें एयर फ्रेट इतना था, इतना फाइनल होना था, लेकिन निगोशिएशन प्राइस 500 पर हुआ। इन द सेम वे इंश्योरेंस। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है भाई, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है किस वैल्यू पर हम लोगों में प्राइस फाइनल हुई थी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अल्टीमेटली हमको देना कितना है फेयर वैल्यू। तो हमको तो देना है 5500, हमको तो देना है 500, हमको तो देना है 600। दिस इज द अल्टीमेट फिगर। तो हमारे लिए फिलहाल अभी तो इसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। अदर डिटेल्स ऑफ कंप्यूटिंग एसेसिबल वैल्यू एंड ड्यूटी पेबल आर एज फॉलोज। वेंडर इंस्पेक्शन चार्जेस है, इंस्पेक्शन कैरिड आउट बाय द फॉरेन सप्लायर ऑन हिज ओन नॉट रिक्वायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट और फॉर मेकिंग द गुड्स रेडी फॉर शिपमेंट। सामने वाला अपना इंस्पेक्शन चार्ज बिना किए हुए, हम किसी से सामान खरीद रहे हैं आउटसाइड इंडिया से, तो क्या सामने वाला बिना इंस्पेक्शन के सामान हमको देगा? नहीं। जब वो इंस्पेक्शन करेगा तो क्या हमसे कहेगा अलग से पैसा? तो मैं कहूंगा भैया जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है दैट इज फुल एंड फाइनल, एंड आई होप और आई एज्यूम दैट यू विल सेंड द गुड्स आफ्टर चेकिंग इट बिफोर डिस्पैच, बिफोर डिस्पैचमेंट और बिफोर डिस्पैचिंग ऑफ द गुड्स यू विल चेक इट एट योर ओन लेवल। हमें उसके लिए अलग से कुछ प्राइस नहीं पे करनी है, तो हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। कमीशन पेबल टू लोकल एजेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। बाइंग कमीशन होता तो हम अवॉइड करते, बट दिस इज नॉट द बाइंग कमीशन एंड दिस इज गिवन लोकल करेंसी, तो इसका मतलब हमें कन्वर्जन पहले कर लेना है। बिल ऑफ एंट्री की डेट का हम कन्वर्जन डेट ले लेते हैं, जो दोनों में से बाद में हो उसकी कस्टम ड्यूटी ले लेते हैं, तो ये भी मेरे लिए फाइनल हो गया। एंटर बैंक रेट कोई मतलब नहीं है, कुछ और दिया ही नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, सिंपल। इसमें नई चीज यही थी जो निगोशिएटेड प्राइस है, दैट्स इट। तो यहां पर कॉम्प्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, CIF as given 5500, इधर देखिए पॉन्ड। और आपको मालूम है कि इसमें फ्रेट और इंश्योरेंस ऑलरेडी एडेड है, CIF मींस ऑलरेडी इसमें इंश्योरेंस और फ्रेट का फिगर शामिल होगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें से इंश्योरेंस एंड फ्रेट माइनस कर देते हैं, 500 का फ्रेट एंड 600 का इंश्योरेंस। तो ये FOB वैल्यू हो गई 4400। बोलो भाई क्या करें? सर एक काम करिए, इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्जन रेट कितना दिया हुआ है? कन्वर्जन रेट 100 टू निकाला था ना ये नीचे, ये 100 टू, तो 1 pound = 100 टू, तो FOB इन टर्म्स ऑफ रुपीज आ जाएगा 448,800। कोई दिक्कत नहीं सर, ये एफओबी वैल्यू तो हमारे पास आ गई। इसमें अब हमको ऐड करना है कमीशन। कमीशन कितना देने को तैयार है सर? कमीशन हम देने को तैयार हैं 1% ऑफ द एफओबी। तो 1% ऑफ FOB, बोलो क्लियर? प्लस ये आ जाएगा आपका कैलकुलेटेड FOB, बिना ये वैल्यू जोड़े तो हम एफओबी पर पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ भाई, प्लस कर देंगे हम इंश्योरेंस। चलो पहले फ्रेट कर देते हैं। फ्रेट जो होता है मैक्सिमम 20% होना चाहिए, लेकिन यहां पर दिया हुआ है निगोशिएटेड प्राइस फ्रेट की 500 पॉइंट। तो 500 × 102, ये है 51,000, जबकि मैक्सिमम परमिसिबल है 20%
यानी ये कितना हो जाएगा 9657। इसमें से यानी मैक्सिमम जो दोनों में से कम होगा वही देंगे, तो फिलहाल जो एक्चुअल फिगर है वही काम आई। अच्छा प्लस इंश्योरेंस, अगर कुछ नहीं दिया होता तो 1.125% ले लेते, लेकिन यहाँ पर हमको दिया हुआ है इंश्योरेंस 600, तो वही कंसीडर कर लेंगे इनटू 102, दैट इज 61,200। ये आ गया CIF वैल्यू। ये आ गया आपका 565,488। प्लस कर देंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी, वो कितना दिया हुआ है दैट इज 10%। प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% ऑफ बेसिक, दिस इज योर वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। हमसे पूछा था कस्टम ड्यूटी टोटल अमाउंट ऑफ ड्यूटी, तो ये हो जाएगा 56,548 प्लस 5655। हाँ भाई ये दोनों ऐड कर लो, आप लोग फ्रैक्शन को हटा सकते हैं, 56,200 कर सकते हैं, दिस इज योर आंसर। जल्दी से नोट कर लें तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, एंड दैट वुड बी आवर लास्ट वन क्वेश्चन बिकॉज दिस वाज आंसर नंबर 9। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एंड दैट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वैल्यूएशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्या कहता है। एफ लिमिटेड इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम यूके इन मे 2020 कर लेना। द डिटेल्स टू दिस रिगार्ड आर एज अंडर, एफओबी वैल्यू दिया है 10,000 यूके पाउंड, एफओबी वैल्यू इज गिवन। As given, what the amount it is 10,000 UK pound. Okay, freight है 3,000। अब FOB दिया है तो इसमें freight add करना पड़ेगा, ठीक है। License fees, license fees, the buyer was required to pay। अगर buyer कुछ payment करता है license fees वगैरह, क्यों pay करेगा भाई, license तुम supplier हो, तुमको लेना चाहिए। ये बस value को नीचे ऊपर करने का तरीका है भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, license fees को add back कर लेंगे, कितना है 400 UK pound plus, मैंने इसीलिए दिया हुआ है as given, ये computed नहीं है, हम लोग compute कर रहे हैं 400 pound, हम लोग को कंप्यूट करना पड़ेगा सही सही। बाइंग कमीशन का कोई रोल प्ले नहीं होता। डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री, तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री होता है उस दिन हमारा कन्वर्जन रेट 99 इंपॉर्टेंट है। अब 20 और 25, क्योंकि 25 बाद में है तो इसलिए हमारा बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% होगा। तो हमने यहाँ पर ये भी डिसाइड कर लिया किस रेट को कंसिडर करना है। IGST दिया हुआ है और GST कंपनसेशन को इग्नोर करना है, दे देते। इंश्योरेंस प्रीमियम डिटेल वी आर नॉट अवेलेबल, तो बचा क्या इस क्वेश्चन में, नथिंग, कुछ है ही नहीं भाई। तो सबसे पहले यहां आ गया लाइसेंस फीस, टोटल मिलाकर 10,400 पाउंड।
प्लस कर लो फ्रेट, ट्वेंटी परसेंट होना चाहिए। तो 10,400 का 20% कितना होता है? दैट इज 2,080। जबकि दिया कितना हुआ है? 3,000। भैया 3,000 नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 20% मिलेगा, मैक्स 20%। तो 2,080 प्लस कर लो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 1.125, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में लिखा है डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल। तो 10,400 का 1.125%, 170। बोलो ये हमारा आ गया एफओबी इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड कितना? ये आ गया 12,597 पॉन्ड। तो 1 पॉन्ड इज इक्वल टू कन्वर्जन रेट, हम लोगों ने अभी भी निकाला था ये 99। तो एफओबी इन टर्म्स ऑफ रुपीस, बोलो प्लस कर देंगे इसमें। अच्छा दिस इज नॉट एफ ओ बी, सॉरी 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 माई डियर, दिस इज नॉट एफ ओ बी, दिस इज योर सी आई एफ। अच्छा इसमें क्या ऐड करेंगे हम? सी आई एफ निकल गया हमारा, तो हमें केवल ऐड करना है इसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% दी है, यहां मैं लिख देता हूं एफ ओ बी कैलकुलेटेड, ठीक है ना। अच्छा बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% है, प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये भी 10% हो जाएगा इसका, ये आ जाएगा वैल्यू फॉर IGST, प्लस कर देंगे IGST दिया है क्या रेट? हाँ सर दिया है IGST का 12%। दिस इज योर 166,114। अब अगर हमसे कहे टोटल कस्टम ड्यूटी कितनी है, तो हम कह सकते हैं भाई हमारी टोटल कस्टम ड्यूटी है बेसिक, या जिसको हम BCD कहते हैं, सोशल वेलफेयर सरचार्ज कहते हैं, IGST कहते हैं, ये तीन वैल्यूज आएंगी। बेसिक है और दिस इज योर आंसर। और कुछ भी नहीं था इस चैप्टर में, बहुत ही इजी था। उम्मीद करते हैं सारी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ आपके साथ मिलेंगे, तब तक टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।